Hi, this is Monica केमिस्ट्री आपकी मोनिका मैम है एकदम वाली मुहबत तो अगर आपको भी यू ऑल्सो पर्टिकुलर चैप्टर लव दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो जल्दी से सेशन को क्या कर दो शेयर कर दो और मैं आगे बढ़ती हूँ बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं एंड जल्दी जल्दी सेशन को शेयर करेंगे

ये जो मेरी रैंक थी जो कि टॉप ए आई आर थर्टी में आई है उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है सो आई रियली वांट कि मैं तुम लोगों को भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार करना सिखा सकूं बट उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो तो मैं आपको बताती हूँ पहले प्रोसीड करता है आल्सो अमंग द टॉप एडुकेटर्स इन द कैटेगरी एन अकेडमी इलेवन एंड ट्वेल्थ प्लीज इंश्योर दैट यू हैव जॉइन दिस ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ऑफ एन अकेडमी दिस इज अ आर कोड फॉर क्लास नोट्स मतलब क्लास के नोट्स आपको इस क्यू कोड को स्कैन करने पर मिल जाएंगे दिस इज द टाइम टेबल क्लास इलेवेंथ की जो बच्चे नए आए हैं हमारे पोर्टल पे तो जो क्लास इलेवेंथ है वो हम लेते हैं कब हाँ जी क्लास इलेवेंथ हम लेते हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को चार से पांच बजे क्लास ट्वेल्थ हम लेते हैं मंडे वर्सडे फ्राइडे को नौ से दस बजे ठीक है बच्चों एंड हाइड्रोजन का पार्ट टू होने वाला है वेंसडे को ट्वेल्व फोर्टी फाइव पे प्लीज डोंट फोगेट हाइड्रोजन को मैंने दो क्लासेस में कवर करवाने का फैसला किया था एक क्लास हो चुकी है एक क्लास इस वेंसडे को है टाइमिंग है ट्वेल्व फोर्टी फाइव एंड क्लास अनलॉक कोड है एम बी लाइफ जो बच्चे नए हैं जिन्होंने पार्ट वन अटेंड नहीं किया वो अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर जाके पार्ट वन को पहले ही पढ़ लें फिर पार्ट टू पढ़ लें चैप्टर छोटे से खत्म हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अनकेडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट जो है क्लास इलेवेंथ के लिए एंड uh, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कराने के लिए ये टेस्ट है इसकी डिटेल्स वगैरह सब मैं आपको क्लास के एंड में दूंगी फिलहाल सिर्फ इतना बताऊंगी कि एम बी लाइव से इसको रजिस्टर कर लो एनरोल कर लो एनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है टेस्ट बिल्कुल फ्री है प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाएगी अन अकेडमी पर आज आउट फीचर है जिसपे आप जितने मर्जी जब मर्जी डाउट्स पूछ सकते हैं बिना झिझके अन अकेडमी ऑल्सो रन प्लेटफॉर्म जिसको हम बोलते हैं प्लस प्लेटफॉर्म प्लस प्लेटफॉर्म में बहुत ही बेहतरीन फीचर्स के साथ हम बच्चों को पढ़ाते हैं जिसमें एक प्रॉपर माहौल होता है एक प्रॉपर आपको नोट्स वगैरह दिए जाते हैं आप अनम्यूट करके

टीन सेप्टेंबर कल से स्टार्ट हुआ है तो अगर आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं क्योंकि मैं भी प्लस पे पढ़ाती हूं अगर आपको लगता है कि अपने करियर की भागदौड़ मोनिका मैम के हाथ में दे दें अपना केमिस्ट्री का जो संभालने का मामला है वो मोनिका मैम के हाथ में दे दें तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन प्लस एंड यू कैन यूज माई कोड एम बिलाई मास्टर प्लास्टर कोड ठीक है बढ़ते हैं आगे मेरी क्लासेस कब कब होती है संडे टू फ्राइडे डेली क्लासेस होती है प्लस के प्लेटफॉर्म पे एंड बिकॉज प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होती है तो वी नीड डेली क्लासेस है ना एंड टेस्ट वगैरह प्रॉपरली होते रहते हैं मटीरियल वगैरह मैं हैंड रिटन अपने सब्जेक्ट के मैं देती हूँ हर एक एडुकेटर खुद का रिटन मटेरियल देता है मैं होमवर्क खूब सारा देती हूँ हर एडुकेटर का अपना अपना स्टाइल होता है एंड आउट डिस्कशन कॉमनली सारे सब एडुकेटर्स करवाते हैं मूविंग अहेड ये जेई नीट के सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हैं इनका प्रॉपर सब कुछ डिटेल में एंड में बताऊंगी यू कैन यूज माय कोड एम बी लाइफ टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट एज वेल एज नो कॉस्ट ई एम ऑप्शन भी इस पर अवेलेबल है जो बच्चे जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं ये आपका नॉर्मल वाला है जिसमें आप बोर्ड्स पर फोकस कर रहे हो अपना इलेवेंथ क्लास पे फोकस कर रहे हो तो यू कैन टेक दिस सब्सक्रिप्शन इसमें एक खतरनाक चीज़ जो मैं तुमको बताऊँ आज एटीन सेप्टेम्बर से एक जबरदस्त डिस्काउंट चालू हुआ है नाइन मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे फिफ्टीन परसेंट ऑफ हो रहा है जो कि हमेशा टेन परसेंट होता है एंड अगर आप एक साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो ट्वेंटी परसेंट ऑफ है बाय यूजिंग कोड एम बी लाइफ

के बोर्ड एग्जाम का पूरा कोचिंग स्टडी नोट्स डाउट सारी जिम्मेदारी हम लोगों की तो इट इज क्वाइट नॉमिनल की ट्वेल्थ के बोर्ड तो देखो अगले साल आएंगे तब तक आपका ट्वेल्थ बोर्ड्स तक का मामला निपट जाएगा एंड इट इज वैलिड ओनली फॉर फ्यू डेज अदरवाइज टेन परसेंट मिलता है इट इज जस्ट वैलिड ओनली फॉर फ्यू डेज क्योंकि नीट जेई में टीचर्स डे डिस्काउंट्स दिए जा रहे थे तो फिर टीचर्स ने कहा कि हमारे बच्चे क्यों नहीं हमारे सी बी एस ई की पोर्टल पर हम क्यों नहीं ट्वेंटी परसेंट ऑफ दे जब नीट जेई में ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल रहा है तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए कुछ दिनों के लिए ट्वेंटी परसेंट ऑफ आपके लिए भी आया है तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेने का प्लानिंग है तो जल्दी ले, ले लेना बिकॉज ये ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं टेन परसेंट एक्स्ट्रा ऑफ जो आपको मिल रहा है एंड मूविंग हेड आप ये देख सकते हैं ये कुछ कुछ डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं ये मैंने आपको बता दिया है हरी अप कर लेना एंड लेटस गेट स्टार्टेड चलिए

Hi, top iOS apps. तो चलिए हाई हेलो भी हो गई है आप स्टार्ट करते हैं बेटा बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है बहुत ही प्यारा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ रूल्स आप याद रखिएगा आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी पोर्शन पढ़ेंगे बेसिक्स का कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट व्हाई डू वी स्टडी व्हाई डू वी कॉल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज ऑर्गेनिक क्या रोल है कार्बन का कार्बन को इतने भाव क्यों दिए जा रहे हैं वो सब हम अगले दस मिनट में सीखेंगे एंड हमारी जिंदगी में क्या रोल है ऑर्गेनिक का सबसे पहले एक नियम याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने फर्स्ट लेक्चर किया सेकंड नहीं किया फिर थर्ड किया फोर्थ नहीं किया बीच में ब्रेक होते ही आपको समझ में आना बंद हो जाएगा ये बहुत वेल कनेक्टेड होता है साथ ही साथ इलेवन ट्वेल्थ में जो मल्टीपल चैप्टर्स होते हैं लेट से आपने ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो आपको दूसरा समझ में नहीं आएगा मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में तो ऐसा होता है नहीं आते मेरे को कि कोई बच्चा ये कह दे कि मुझे पहला चैप्टर नहीं आता बट मुझे दूसरा आता है इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़नी पड़ती है नीचे चढ़े नहीं तो कूद के ऊपर आप नहीं जा सकते हैं तो आपकी रेगुलरिटी आपका डेडिकेशन आपकी सिंसियरिटी बहुत रोल प्ले करेगी एंड ट्रस्ट मी बच्चों यू विल फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट द सब्जेक्ट इज सो फन सो इंटरेस्टिंग एंड सो वेरी ईजी और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उन बच्चों के लिए जो बीच बीच में सेशंस छोड़ देते हैं रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करते हैं डेडिकेशन शो नहीं करते हैं दे ऑलवेज यूज्ड टू से कि हाई ऑर्गेनिक कितनी टफ है मतलब ऑर्गेनिक रुला भी सकती है और हंसा भी सकती है मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को ऑर्गेनिक खूब हंसाए बिल्कुल नहीं रुलाए ठीक है तो बी रेगुलर बी सिंसियर बी डेडिकेटेड ठीक है नोट्स जरूर बनाए साथ साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो नोट्स जरूर साथ साथ बनाए कॉपी बना लें जो भी हम क्लास में पढ़ेंगे बेटा तो क्या वैल्यू है व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन अगर तुम एमबी मैम से सुनोगे तो एमबी मैम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ लाइफ अभी मैंने ऐसा क्यों बोला

To, maam, तो मैम जरा बताएं तो सही ऐसा क्या है ऑर्गेनिक में खास बच्चों हर चीज हमारे बाल जो होते हैं ये बाल ये पॉलीमर्स होते हैं ठीक है प्रोटीन्स होते हैं आपको पता होगा तो प्रोटीन्स क्या है प्रोटीन्स केमिस्ट्री है केमिकल्स हैं प्रोटीन्स क्या होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं ये स्किन क्या होता है ये पॉलीमर होता है ये क्या है केमिस्ट्री है ये आंखें दुनिया का सबसे हाई रेजोल्यूशन कैमरा जिसके जिसमें जितने मेगा पिक्सल है वो शायद ही किसी कैमरे में बन सके ये क्या है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये कपड़े जो हम पहनते हैं ये धागे ये क्या है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारे अंदर दौड़ता हुआ खून ये क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो हरी पत्तेदार सब्जियां खाते होंगे उसमें क्या होता है क्लोरोफिल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है।, है हमारे अंदर की हड्डियों का स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हड्डियों को सपोर्ट करने वाली मसल्स

ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लांट्स उगाने के लिए खेती बाड़ी करनी पड़ती है फर्टिलाइजर्स डालते हैं ताकि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो फर्टिलाइजर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो क्या ये कहना गलत होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइफ तो क्या बोलोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमबी के लाइफेनिक लाइफ ये डेफिनेशन कहीं लिखनी नहीं है बट यू शुड नो द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि अरे यार ये नंबर दिलाएगा नंबर तो दिलाएगा यार नंबर तो कैसे दिलाएगा पढ़ने वाले मेरे बच्चे और पढ़ाने वाली हम भी मैम नंबर कहीं नहीं जा रहे पर सब्जेक्ट की वैल्यू को उसके वर्थ को समझना पड़ेगा कि क्यों पढ़ रहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिन भर में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या आप कर लें आप तवे पे फुल्का सेकते हैं तो तवे पे जो कोटिंग होती है नॉन स्टिक यूटेंसिल्स पे जो कोटिंग होती है टेफलॉन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रब बिंड लगाते हैं बालों में स्ट्रेच होता है पॉलीमर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब आप एक चीज़ बोल दो कि मैम हमने ये एक घंटा गुजारा और हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम में नहीं आई आई वुड नॉट बिलीव इट ठीक है तो एवरी थिंग इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देर फोर आई से दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ तो बच्चों इसी के साथ हम इसमें मैं मतलब मैं चाहती तो हूँ तुम्हारा इंटरेस्ट बहुत डेवलप हो तो आई होप कि मैंने तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप किया है इसको शेयर जरूर करो सेशन को एंड मूविंग हेड ये देखिए हरे पत्तों के अंदर ये देखिए कैसी शकल है इसकी एकदम डरावनी सी पर ये डरावना रहेगा नहीं थोड़े दिनों में ठीक है ये भी बड़ा क्यूट लगने लग जाएगा डरावना होके भी क्यूट लगेगा तो ये क्या है ये क्लोरोफिल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये नसों में दौड़ता हुआ खून हीमोग्लोबिन हीम ग्रुप ग्लोबिन ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये गाड़ी में बाहर निकलेंगे तो अपने एक्टिवा में या जिस किसी टू व्हीलर को आप यूज़ करते हैं या जिस किसी कार को फोर व्हीलर को आप यूज़ करते हैं पेट्रोल डीजल के बिना तो कुछ नहीं चलता तो पेट्रोल डीजल में क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेफ्थलिन बॉल्स रखते हैं किस किस को बदबू आती कपड़ों में मुझे तो बिल्कुल सूट नहीं होती नेफ्थलिन बॉल्स गर्म कपड़ों में रखते हैं और अभी तो सर्दी आने वाली है तो सर्दियों में ये गर्म कपड़े निकलेंगे जिसमें नेफ्थिलिन बॉल्स की वैसी वाली स्मेल आएगी नेफ्थिल

हाँ ठंडी में होती है ना लेफ्टन बॉल्स हो देखो मिट्टी में फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं फर्टिलाइजर्स में ऑर्गेनिक होता है और इन पत्तियों में क्लोरोफिल क्लोरोफिल में ऑर्गेनिक होता है तो बेटा ऑर्गेनिक से बच के नहीं जा सकते हम ये देखो ये स्टाइलिश गर्ल्स नेल पॉलिश लगाती हैं ऑर्गेनिक जिनमें नाइट्रो नाइट्रोसेल्यूल होता है ब्यूटाइल एसिटेट होता है ये सब ऑर्गेनिक है बेटू कैंडल जलाते हो वैक्स ऑर्गेनिक है गैसुल मिक्सड हाइड्रोकार्बन होते हैं खाना बनाते हो तेल ऑर्गेनिक है घी में बनाते हो घी ऑर्गेनिक है ठीक है साबुन से ही नहाते हैं तो साबुन भी तो फैटी एसिड होता है ऑर्गेनिक जो कपड़े पहनते हैं वो ऑर्गेनिक है जिस पेपर पे लिखते हो वो सेल्यूलोज है इट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक ठीक है तो और कई बार कहते हैं वो ऑर्गेनिक वर्ड आजकल यूज भी बहुत होता है बहुत ट्रेंडिंग वर्ड है ऑर्गेनिक एंड uh, अगर कार्बोहाइड्रेट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इसकी वैल्यू नहीं समझते तो एक दिन रोटी छोड़ के देखो जो वीकनेस आएगी ना फिर क्या होगा तो कोई पूछेगा वीकनेस क्या आज सुबह से रोटी नहीं खाई आज व्रत था आज फास्टिंग पे थे तो व्रत में क्या नहीं खाए रोटी नहीं खाई फल तो खाए रोटी नहीं खाई बहुत वीकनेस आ रही है रोटी में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट क्या है ट्वेल्थ क्लास में आएगा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अरे भाई इसको वीकनेस आ रही है इसको चक्कर आ रहे हैं क्या करें जल्दी से ग्लूकोज मिला के पानी में डाल के पिलाओ क्योंकि इसने सारा दिन से रोटी नहीं खाई है अभी जल्दी से ग्लूकोज डाल के खेल पिलाओ नहीं तो ये बेहोश हो जाएगा फेंट हो जाएगा केमिस्ट्री, ग्लूकोज इज ऑल्सो कार्बन से शुरू होती है हर चीज कार्बन से निकलती है कार्बन क्यों टेस्ट कार्बन तो तिको? कुछ सवाल जो मेरे मन में अक्सर आते थे आज मैं उनकी स्लाइड बना के लाई हूँ नाम तो सुना होगा स्पेशलाइज फील्ड ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम क्यों रखा गया बाय ऑर्गेनिक कौन बताएगा चैट बॉक्स में इसका नाम ऑर्गेनिक क्यों रखा गया हु विल टेल मी जल्दी यस रोहताश थैंक यू प्रांजल लिविंग यस एक्चुअली क्या होता है बेटा एक्चुअली सेंचुरी के साइंटिस्ट थे ना अब अपन को तो लगता है साइंटिस्ट ने किया क्या लाइफ में ना पिक्चरें देखी ना फन किया ना फ्रेंड्स के साथ डोले ना पंचायती करी है बस अब वो ही करते रहे experiment research, experiment research, experiment research, अपने हिसाब से तो टाइम वेस्ट कर सारा लेकिन बहुत कुछ डिस्कवर करके गए साइंटिस्ट नाइनटीन सेंचुरी के साइंटिस्ट ने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि ऑर्गेनिक केमिस्ट मतलब ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो किस में मिलते हैं तो पता है क्या मतलब पत, पता चला कि जितने भी लिविंग उन्हीं में, तो उन में नहीं बन लेबोरेटरी उनको सिर्फ ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई वाइटल फोर्स होता है कोई मिस्टीरियस सा फोर्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए जिसको हम लैब में नहीं बना सकते वो ह्यूमन बींग्स में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अपने आप किसी मिस्टीरियस फोर्स की वजह से होते हैं। ये भी और तुम्हारी तरह और तरक्की वाले इनकी काट करी, करी और कहा, nahin, nahin, भी में बन सकते हैं बिकॉज इनिशियली माना जाता था कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाए जाते हैं ऑर्गेनिक इसीलिए इसका नाम क्या रखा ऑर्गेनिज्म से नाम क्या रख दिया ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम से क्या नाम रख दिया ऑर्गेनिक ठीक है सम काइंड ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी लेटर ऑन ये पाया गया कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है लैब में भी बन जाते हैं सवाल पे सवाल वाई इस कार्बन केमिस्ट्री कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बन में ऐसा क्या है कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन हीरो है मतलब मेन लीडिंग रोल प्ले करता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लीडिंग रोल में कार्बन मिलेगा बेटा कार्बन बहुत ही वर्सेटाइल एलिमेंट है नेचर का बहुत ही वर्सेटाइल एलिमेंट है कोई प्रॉपर्टी बता सकता है कार्बन की जिसकी वजह से कार्बन की केमिस्ट्री इतनी नोन है बताओ बताओ कोई प्रॉपर्टी यस yes, वेरी गुड सैनी शोस टेट्रावेलेंसी शाबाश एनी वन एल्स कैटिनेशन सोनम कुमारी शाबाश वेरी गुड स्नेहा कार्बन इज टेट्रावेल्ट एंड क्या बात है जबरदस्त बहुत प्यारे बच्चे तो सबसे पहली चीज है मतलब कार्बन के पास क्या है कि चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगर तुम्हें कार्बन का पता है, तो कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन है, थु। होते हैं दो टू एस में दो टूपी में यानी ये चार बॉन्ड बना सकता है याद रखना कभी चार से ज्यादा बॉन्ड कार्बन नहीं बना सकता है ठीक है चार बना सकता है चार से ज्यादा कभी नहीं बनाएगा एक्सटेंड नहीं कर सकता अपने ये ऑक्टेट को तो ये फोर बॉन्ड्स टोटल बनाता है ठीक है तो टेट्रावेल ऑफ कार्बन इज प्रॉपर्टी जो कि इसको बहुत ज्यादा कार्बन कंपाउंड बनाने में एक रोल प्ले करती है एंड मैं कहूंगी इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कैटिनेशन कैटिनेशन होता है कार्बन टू कार्बन कार्बन टू कार्बन कार्बन टू कार्बन लिंक करते जाना तुमने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत सोशल होते हैं जो जहाँ जाए बूढ़ों में जाए तो बूढ़ों से दोस्ती कर ले बच्चों में जाए तो बच्चों से दोस्ती कर ले और यूथ में जाए यूथ से दोस्ती कर ले तो ऐसे बहुत सोशल टाइप के लोग उनका हर जगह बोलबाला होता है मतलब उनके बिना कोई भी पार्टी अधूरी होती है उनके फन उनके एंजॉयमेंट के बिना हर जगह मतलब उनकी कमी अखरती है तो ऐसे सोशल लोग का कितना जबरदस्त इंपैक्ट रहता है कार्बन इज सच काइंड ऑफ सोशल एलिमेंट्स ये खुद से भी

अब उसके गहराई में मत जाना धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी इसी के साथ साथ कार्बन को बोलते हैं। तो one property, one property इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की जैसे सिंग, सिंगल बॉन्ड भी बनाता है डबल भी बनाता है ट्रिपल भी बनाता है मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है तो धीरे धीरे कार्बन के बारे में और डिटेल सीखेंगे फिलहाल फाइनली

तो सबसे पहले मैं आपको आज दो तीन चीजें पढ़नी है पहली चीज टॉपिक्स बता देती हूँ आज क्या क्या पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे जो कि केमिकल बॉन्डिंग में अपन पढ़ चुके हैं तो उसका क्विक सा रिविजन होगा क्योंकि इस चैप्टर में और केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन कॉमन है दूसरी चीज हम पढ़ेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स जो कि कार्बन की बनाने की कैपेबिलिटी होती है सिग्मा भी बनाता है पाई भी बनाता है तीसरी चीजें ये कि कार्बन के कंपाउंड्स को किस किस तरीके से लिखा जाता है जैसे कि कंडेंस फॉर्मुले क्या होते हैं एक्सपैंडेड फॉर्मले क्या होते हैं बॉन्डलाइन फॉर्मूलाज क्या होते हैं फिर मैं तुमसे कुछ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन के फॉर्म में टेस्ट लूंगी एंड देन वी विल प्रोसीड तो स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे किस तरीके से शेप्स डिसाइड होती हैं सिलिकन नहीं शो करता बेटा वर्त का सिलिकन नहीं शो करता और इसका रीजन बहुत टेक्निकल है मतलब अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा लेकिन हाँ सवाल बहुत अच्छा है सिलिकन गिर्द आजू बाजू का कोई एलिमेंट उस लेवल का कैटिनेशन शो नहीं करता है जो कार्बन शो करता है कार्बन के आगे कौन आता है नाइट्रोजन कोई कैटिनेशन नहीं है कार्बन के नीचे कौन आता है सिलिकन कोई कैटिनेशन नहीं कार्बन के पीछे कौन आता है बोरॉन कोई कैटिनेशन नहीं मतलब स कार्बन जितना कैटिनेशन शो नहीं करते एंड बहुत प्यारा सवाल है बट इसका जवाब अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसके लिए तुम्हें और अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी बट आई प्रॉमिस वर्ते का आई विल गिव दिस आंसर है ना तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि कार्बन में कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी रहती है पहली हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री तो अपने कार्बन की कॉन्फिग्रेशन -फट से देखते जाओ तुम लोग ये पड़े हुए हो वन एस टू टू एस टू टू पी टू ठीक है फिर अगर मैं ये कहूं की 2s में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर टू 2p में आ जाए तो और फिर इनके अंदर इंटरमिक्सिंग हो जाए आई होप यू बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग में आपने इस किस्म की इंटरमिक्सिंग को पढ़ा है कि एक एस ऑर्बिटल और तीन पी ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो क्या बनते हैं एस पी थ्री हाइब्रिड बनते हैं वन एस इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो वन एस को हमने अलग कर दिया और ये चारों क्या है एस पी है अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि मैम ये इंटरमिक्सिंग कैसे होती है जरा तो देखिए एक एस और तीन पी को एक एस और तीन पी किस तरीके से इसको फील करिए कि कैसे ये जो कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में अभी देखना ऐसे 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 करके इंटरमिक्स हो जाएंगे जस्ट हैव अ लुक जस्ट लुक एट दिस विजुअल क्लोज ऑब्जर्व करो इसको और ये हो जाएंगे चार एस पी थ्री हाइब्रिड्स मशरूम जैसी शक्ल के चार एस पी थ्री हाइब्रिड्स और इनकी शेप कैसी होती है बेटा टेट्राहाइड्रन टेट्राइड्रिन शेप होती है इसको लिख लो अगर कोई भी कार्बन एस पी थ्री हाइब्रेडाइज्ड है तो उसकी शेप हो जाती है टेट्राहैड्रन ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आने वाली है ये देखो ये टेट्राइड्रिन दिख रहा है शेप मैं इसको आपको पेन से भी करके दिखाऊंगी कि कार्बन अगर एस पी थ्री हाइब्रेडाइज होता है तो किस तरीके से शेप बनता है ये देखिएगा मैं पेन इकट्ठे कर रही हूँ कैमरे से बाहर चली गई हूँ ये ये चारों एस पी थ्री हाइब्रेड इस तरीके से टेट्राहेड्रन में अरेंज हो जाते हैं ठीक है आगे चलते हैं आगे चलते हैं ये देखिए ये हमारा इथेन का स्ट्रक्चर बना है जिसमें ये वाला जो है, इसको हम बोलते है, ये और ये बाकी सब क्या है एस पी थ्री एस सिग्मा ठीक है मूविंग दूसरी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थी अनदर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थी बच्चा पार्टी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको याद हो तो इंटरमिक्सिंग के वक्त अगर कार्बन जिसके पास में एक एस और तीन पी ऑर्बिटल्स हैं तीन पी ऑर्बिटल्स ठीक है ये कॉमन टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक का तीन ऑर्बिटल्स हैं उसमें से एक पी ऑर्बिटल को खिलाने से मना कर दे भाई एक दोस्त को हम तुझे नहीं खिला रहे हम तुझे नहीं खिला रहे खिलाड़े मतलब गेम में नहीं खिला रहे खिलाड़े मतलब खिला रहे नहीं गेम में नहीं खिला रहे तो ये इन तीनों को हाइब्रिडाइज करवाओ तो जब आप इन तीनों को हाइब्रिडाइज करवाओगे इंटरमिक्स करवाओगे तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे लाइक दिस और इनको हम क्या बोलेंगे इनको हम बोलेंगे sp2 हाइब्रिड्स ये देखिए एक s और दो p ने मिलकर क्या बनाया sp2 हाइब्रिड्स एक s और दो p ने मिलकर के बनाए sp2 हाइब्रिड्स sp2 हाइब्रिड्स की शेप कैसी होती है जरा यहाँ देखिएगा कोई भी कार्बन अपने sp3 sp2 हाइब्रिड्स को 120 डिग्री पे ओरिएंट करता है इस तरीके से इस तरीके से ठीक है सामने वाला कार्बन भी अपने sp2 हाइब्रिड्स को 120 डिग्री पे ओरिएंट करता है लाइक दिस ठीक है एक पी दोनों के पास अवेलेबल है जिसको इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करवाया ठीक है हम तुझे नहीं खिला रहे हम तुझे जो गेम में नहीं ले रहे तो वो वाला पी कौन सा है वो वाला पी दोनों कार्बन के पास होगा तो आपको थोड़ा बहुत कुछ याद है कि इसके साथ क्या बनता था केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था आपने अभी इसके बहुत मस्त मस्त एग्जाम्पल आने वाले हैं इसमें क्या कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा ये कौन सा बॉन्ड है और ये कौन सा बॉन्ड है बोलो फटाफट वेरी गुड वेरी गुड पाए बॉन्ड तो ये हो जाता है सिग्मा बॉन्ड और ये हो जाता है ठीक है है तो ये SP2 और शेप कैसी होती ट्राइगोनल प्लेन पॉइंट टू बी नोटेड शेप कैसी होती है देखो ये सिग्मा बॉन्ड बना और इनमें क्या बनेगा इनमें पाई 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 बॉन्ड बनेगा ये ठीक है है बीच में बनता क्लियर रखिए मैं बार बार मेरी आदत है मैं रिपीट करती हूँ चीजों को ताकि तुम्हें अच्छे से लर्न हो जाए ये एसपी टू हाइब्रिड के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना है और ये अनहाइब्रिड ये नीले रंग के गुब्बारे क्या है ये अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स हैं इनमें कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है

क्योंकि दो ने इंटरमिक्सिंग करी तो दो हाइब्रिड्स बने दो एक एस पी ए रहा एक एस पी रहा अब थ्योरीज क्या कहती है केमिकल बॉन्डिंग की कि, कि कार्बन अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पे ओरिएंट कर लेता है लाइक दिस ठीक है कार्बन अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पे ओरिएंट कर लेता है दूसरा कार्बन भी अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैक्सिमम डिस्टेंस पे ओरिएंट कर लेता है और इनके बीच में बनता है एक सिग्मा और फिर दोनों ही कार्बन के पास दो दो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स होते हैं दोनों के पास दो दो खिलाड़ी होते हैं जिनको ये बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं करवाता इस कार्बन ने भी एसपी हाइब्रिडाइजेशन की तो ये दो पियन हाइब्रिड बने ये देखो एक ये रहा एक ये रहा इस कार्बन ने भी एस पी हाइब्रेडाइजेशन की तो इसने भी अपने दो खिलाड़ी जिनको इसने हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं करवा ये रहे इनमें कौन से बॉन्ड बनेंगे इनमें बनेंगे दो पाए ठीक है तो दो एक सिग्मा बनेगा और दो पाए बनेगा और इसको हम क्या बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड तो कार्बन कितना है आप देखो और ज्योमेट्री कैसी होती है इसकी व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्योमेट्री द नेम ऑफ द ज्योमेट्री इज लीनियर ऑल राइट ऑफ द ज्योमेट्री इज लीनियर देखो और पी को कैसे आपस में इंटरमिक्सिंग करवा रहे हैं एंड लीनियर ज्योमेट्री वाले आ, मतलब इस जो रिजल्टेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी ज्योमेट्री कैसी होती है लीनियर चलो ये चार सवाल थोड़े रिविजन के करके दिखाओ ये बॉन्डिंग में आप पढ़ चुके हो क्या आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन दिस इज अ टॉपिक विच इज कॉमन इन ऑर्गेनिक एज वेल एज केमिकल uh, बॉन्डिंग इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएंगे कि आइडेंटिफाई द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ़ ईच इंटीरियर आटम जवाब दो ए बी सी डी या मैं तुम्हें रिवाइज़ करके बताऊं कि भाई कैसे पहचानना है दिस इज़ द मोलेक्यूल हाँ स्कूल में क्वांटिटेटिव एनालिसिस समझ में नहीं बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए सुहानी इक्विलिब्रियम पढ़ना जरूरी है इक्विलिब्रियम के तो मैं भी नहीं समझा सकती अच्छा बॉन्डिंग नहीं पढ़े हो रजत जायसवाल बी इज द आंसर वेरी नाइस तो जैसे रजत जायसवाल ने बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है ऐसे कुछ और बच्चों ने भी बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है तो मैं उनको एक मस्त ट्रिक दे रही हूं जिन बच्चों ने बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है अगर कार्बन आपको डबल बॉन्ड बनाता दिखाई दे

सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन एसपी है डबल में एसपी टू है और ट्रिपल में एसपी है तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जरा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कार्बन आइटम की चलो जल्दी जल्दी बताओ मोहम्मद हसन आयुपीएससी नोमेनक्लेचर पे भी आ गए जल्दी जल्दी इसका बताओ क्या आंसर होगा बी एस पी थ्री एस पी टू एस पी टू डू यू नो एनी कार्बन जो कि डबल बॉन्ड बनाता हो लेकिन एसपी हाइब्रेडाइज हो डू यू नो एनी कार्बन जो कि डबल बॉन्ड बनाता हो और एसपी हाइब्रेडाइज हो कैन यू नेम जो बच्चे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो जो डबल बॉन्ड बनाता हो और एसपी हाइब्रेडाइज हो

अगर ऑल बॉन्ड सिंगल होंगे ऑल बॉन्ड्स सिंगल होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 थ्री होगी और जोमेट्री कैसे होगी टेट्राहेड्रल। अगर डबल बॉन्ड होंगे तो हाइब्र जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 टू होगी और जोमेट्री कैसी होगी ट्राइगुनल प्लेनर ट्राइगुनल प्लेनर ठीक है और अगर सारे के जो बॉन्ड है मतलब जो दो कार्बन इन्वॉल्व है वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगी और ज्योमेट्री होगी लीनियर इसको लिख लो बेटा जिन्होंने बॉन्डिंग नहीं पड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मैं आगे से हट जाती हूँ एक बार इसकी फोटो ले लो और अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या नेक्स्ट चैप्टर आज चैप्टर का फर्स्ट क्लास है नए चैप्टर का कौन सा नेक्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही भाई हम्म ये बातें चैप्टर खत्म होने पे पूछो तो अच्छी लगती हैं फर्स्ट लेक्चर के दिन थोड़ी पूछना होता है अगला चैप्टर क्या होगा थैंक यू रोताश बेटू थैंक यू सो मच मैम मैंने आज तक जितने भी साइंस टीचर्स देखे हैं आप सबसे बेस्ट थैंक यू सो मच रोहताश इज द आंसर सब सिंगल बॉन्ड है तो एसपी थ्री एसपी थ्री और लास्ट क्वेश्चन इस तरीके का उसके बाद में कॉन्सेप्ट चेंज करूंगी लास्ट क्वेश्चन फटाफट से आंसर करेंगे क्विकली क्विकली लास्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन का एक पार्ट नहीं है मेन का बेटा दो पार्ट है हाइड्रोजन का एक पार्ट हमने लास्ट वेंसडे कर लिया था एक पार्ट इस कमिंग वेंसडे को करेंगे दो लेक्चर्स में खत्म करेंगे इज द आंसर ये सारे सिंगल है तो एस पी थ्री सारे ये डबल है तो एस पी टू ये भी डबल है तो एस पी टू ये ट्रिपल है तो एस पी और ये ट्रिपल है तो एस पी एस पी थ्री एस पी टू एस पी टू एस पी एस पी कौन सा है एस पी थ्री एस पी टू एस पी टू एस पी एस पी सी है ना आंसर तुम लोग क्या आंसर दे रहे हो सी इज द आंसर एस पी थ्री एस पी टू एस पी टू एस पी एस पी ठीक है अब पढ़ते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स का ही बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं पाई बॉन्ड के तो मैंने सोचा यार कुछ इनोवेशन से पढ़ाया जाए ऐसे इनको सिग्मा एंड पाई की फीलिंग नहीं आ रही तो बेटा तुम लोगों ने

तो हम उसको क्या बोलते हैं हम उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं ठीक है थीके? सिग्मा बॉन्ड ये देखो बिल्कुल वैसी ही ओवरलैपिंग हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड इसको हम क्या बोलेंगे ये ओवरलैपिंग हो रही है प्रॉपर सिग्मा बॉन्ड्स ठीक है तो सिग्मा बॉन्ड्स के लिए क्या चीज होती है प्रॉपर ओवरलैपिंग लाइक वेन डायग्राम थ्योरी वट आर पाई बॉन्ड्स पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं पाई बॉन्ड्स इज द बॉन्ड फॉर्म बाय साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटोमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बॉन्डिंग एटम्स पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं पाई बॉन्ड दूर दूर से बनते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से अनहाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल से दूर दूर से किसकी फॉर्मेशन होती है पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है तो देखो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरीके से पाई बॉन्ड बनाएंगे बट मैम ये क्या बात हुई ये तो हम बुक्स में भी पढ़ते हैं इसमें तो कोई फील आने वाली बात नहीं हुई साइड टू साइडवाइज ओवरलैपिंग तो किताबों में भी लिखा होता है इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं हुई आपने सोचा बड़े इनोवेटिव अंदाज में पढ़ाएंगे इसमें तो कोई फील नहीं आई अब आई फील किस किस ने ये खाया है बताओ मुझे किस किस ने ये खाया है सौम्य धवन कह रही है लाइक्स में फिर से कंजूसी कर रहे अरे कंजूस लाइक तो कर दो यार जल्दी से लाइक कर दो और शेयर भी कर दो ऐसे मत करो यार ऐसे कंजूस मत बनो का माम के लिए खाया ना हाँ हाँ मुंह हा, में पानी आ रहा है धीरे धीरे ऐसी फील आई है की तो क्या बोलते हैं गुड़िया के बाल गुड़िया के बाल नहीं बोलते है? गुड़िया के बाल तो गुड़िया के बाल अपने हाथ में लो और ऐसे ऐसे उलझाओ कॉटन कैंडी को कॉटन कैंडी बोलते हैं ज़्यादा लोग हम लोग जैसे लोग होते हैं वो गुड़िया के बाल बोलते हैं तो ऐसे पकड़े ऐसे आपस में उलझाओ और फिर स्ट्रेट कर दो तो वो आपस में हल्के हल्के उलझ जाएंगे अब फील आई किसकी पाए बॉन्ड की देखो जरा ये गुड़िया के बाल आपस में उलझा उलझ जाते हैं ना इसे ये देखो इसको हम क्या बोलते हैं पाई बॉन्ड्स आर कॉटन कैंडीज एंड सिग्मा बॉन्ड आर वेन डायग्राम्स ऑफ सेट थ्योरी ठीक है बुढ़िया के <laughs> बुढ़िया के बाल नहीं बेटा गुढ़िया के बाल तो सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की फील है हाँ। मैम बहुत है मैम तुम्हें खाने पीने के एग्जाम्पल से पूरा केमिस्ट्री पढ़ा देगी तो खाने पीने के तो बहुत एग्जाम्पल आने वाले खैर तो ये कौन से बॉन्ड है पाए बॉन्ड और ये कौन से बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड सेट डायग्राम ठीक है सेट थ्योरी वेन डायग्राम्स और ये क्या है बुढ़िया बुढ़िया नहीं गुड़िया के बाल ठीक है चलो हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इसको कैलकुलेट एक को मैं करके दिखाऊंगी बाकी ये तुम करना फटाफट फटाफट कैलकुलेट करेंगे ठीक है हाउ मेनी सिग्मा एंड पाइबॉन्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स सबसे पहले इसका तरीका होता है जो सही मेथड होता है सबसे पहले आप हाइड्रोजन गिन लो सारे हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्डेड होते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन काउंट कर लो क्योंकि वो रह जाते हैं उनमें गलती हो जाती है तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है आपके स्कूल एग्जाम के अंदर कितने सिग्मा एंड पाइबॉन् अभी एमसीक्यूज आएंगे तो एमसीक्यूज में भी पूछा जाएगा तो इसमें चार तो हाइड्रोजन है तो सपट लिख लो देखो चार चार हाइड्रोजन क्योंकि चारों सिग्मा है ठीक है फिर हर डबल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है दूसरा पाए होता एक एक पाए हो है कोई तो भी हो, डबल बॉन्ड बनेगा उसमें एक सिग्मा एक पाए होगा और अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है ना बेटा ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाए होते हैं सिग्मा एक से ज्यादा नहीं बनता ठीक है तो हमने क्या गिना चार तो हाइड्रोजन गिन लिए फिर उसके बाद डबल का एक सिग्मा और इस डबल का भी एक सिग्मा तो कितने हो गए दो यानी कि सिक्स तो हो गए सिग्मा बॉन्ड्स और पाए कितने हो गए सिक्स सिग्मा एन ये देखो एक ये रहा पाए एक ये रहा तो सिक्स सिग्मा बन गए और टू इसको कर लो फटाफट से बी वाले को जल्दी जल्दी इजी है ना और हाइड्रोजन सबसे पहले गिन लेना कोई गलती नहीं होगी उससे हाइड्रोजन को सबसे पहले गिन लेना बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर ट्वेंटी फ्रॉम माई क्लास टीचर वॉट टू डू बेटा मैं पढ़ा तो रही हूँ कहां दिक्कत आ रही है नेक्स्ट वाले में कितने दस सिग्मा तीन पाए स्नेहा बोल रही है और नौ सिग्मा चार पाए वर्तिका बोल, बोल रही है वर्तिका बोल रही है सिग्मा 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 स्नेहा बोल बोल रही है लकी रहे हैं रजत बेटा आई सजेस्ट कि आप ना टाइम निकाल के मेरे केमिकल बॉन्डिंग यूट्यूब पे रिकॉर्डेड है और मैराथन भी बनी हुई है आप अगर अच्छे से पढ़ने का मन बनाए तो दो दिन में मैराथन कंप्लीट होती है अदरवाइज ज्यादा सेशंस नहीं है दो दो सेशंस भी एक दिन में देखोगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे समझ में आएगी चुटकियों में लेकिन बिना केमिकल बॉन्डिंग के ऑर्गेनिक समझना मुश्किल होगा बेटा है है ना दस सिग्मा मैक्सिमम आ रहे हैं लेट मी सी कितना सही है। मैंने हाइड्रोजन गिनने पहले दो तीन चार पांच छह तो छह में लिख देती हूँ फिर बॉन्ड्स गिनने तो ये देखो ये एक इसका एक दो तीन चार तो सिक्स प्लस फोर यानी कि टेन सिग्मा हो जाते हैं और पाए कितने होते हैं ट्रिपल के भी एक ही सिग्मा होते हैं बचे हुए सब पाए तो दो पाए और एक थ्री सिग्मा थ्री सिग्मा थ्री पाए टेन सिग्मा और थ्री पाए इसमें नो नेक्स्ट वाले नेक्स्ट वाले में गिनो बेटा क्विकली क्विकली जल्दी जल्दी काउंट करने में गलती होगी वर्तिका कोई बात नहीं बेटू गलती के लिए मोनिका में बैठी है ना इधर सही करने के लिए लकी कह रहे फाइव सिग्मा टू पाई इन थर्ड ओके फाइव सिग्मा टू पाई ओके 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 जशनदीप कह रहे फोर फोर सौम्य धवन फाइव टू ओके तो ये देखो पहले हाइड्रोजन गिन लिए तो तीन तो हाइड्रोजन है थ्री हाइड्रोजन है ठीक है और फिर उसके बाद में इधर देखो इधर कितने हैं इधर कितने हैं एक तो थ्री प्लस वन तो फोर तो सिग्मा हो गए और दो पाए हो गए ठीक है फाइव कौन से दिखाई दे रहे हैं अच्छा इसके बीच का बॉन्ड दिख ही नहीं रहा है अरे 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 बिल्कुल सही सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एन तो तीन तो ये हो गए एक ये हो गया एक ही हो गया शाबाश बेटा लकी एंड एवरी वन वेरी गुड वेरी नाइस बेटू हम्म तो फाइव सिग्मा एंड टू पाई चलो नेक्स्ट वाला करो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया था शेप क्या होती है एक छोटा सा टेबल भी बनाया था तो आप जल्दी से बताओ कि व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप दोनों चीज बतानी है आपको जल्दी यल्दी, जल्दी 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 सीबीएसई में कौन सा चैप्टर है बेटा ये सीबीएसई में है सम बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स एस पी टू एसपी सी एच टू ओ बेटा क्योंकि कार्बन डबली बॉन्डेड है डबली बॉन्डेड कार्बन sp2 टू हाइब्रेडाइज होता है और एसपी टू हाइब्रेडाइज कार्बन की जो शक्ल होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है ध्यान रखना क्योंकि एसपी टू वाले के पास तीन ऑर्बिटल्स होते हैं जो की एक ही प्लेन में लगते हैं लाइक दिस तो इसकी शक्ल हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर होती है लाइक दिस ठीक है ट्राइगोनल प्लेनर तो याद रखना कि इसकी शक्ल कैसी है ट्राइंगुलर प्लेनर नेक्स्ट क्या शेप भी हमने बता दी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ सेकंड वाले की सेकंड वाले की बताओ जल्दी जल्दी और कंजूसो लाइक तो कर दो सेशन को हाँ फटाफट से एक लाइक बनती है और अगली क्लास में दो तीन क्लासेस तक आप नए बच्चों को आराम से जोड़ सकते हैं समझ में आएगा सबको है ना हां जी तो अगला एसपी थ्री टेट्रोहाइड्रल अनिशा सिंह बोल रही हैं वेंकटेश नारायण टेट्राहेड्रल बोल रहे हैं एंड uh, अनिशा तिवारी टेट्रोहाइड्रल एसपी थ्री क्योंकि सिंगली बॉन्डेड है ये जो कार्बन है सिंगली बॉन्डेड है तो इस इसपे ये चारों ग्रुप्स या चारों एटम्स जुड़े हुए हैं जिसमें तीन हाइड्रोजन है एक फ्लोरिन है तो देखो एक फ्लोरिन है और तीन हाइड्रोजन है कितना सिंपल है तो आप समझ गए होंगे क्योंकि कोई मल्टीपल बॉन्ड इस एक कार्बन पे नहीं दिखाई दे रहा है तो जब कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं दिखाई देता तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3 और शेप होती है टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल को शॉर्ट में td लिखते हैं ठीक है td td मींस टेट्राहेड्रल नेक्स्ट वाले का बताओ थर्ड वाले का इजी वेरी गुड थर्ड वाले का बताओ जल्दी 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 जल्दी, जल्दी ज्दी, ज्दी, प्यारे बच्चों थर्ड वाले का आंसर मेरे सारे बच्चों ने आराम से बता दिया है

बस नंबर लिख देना सिग्मा पाई लिखने की भी जरूरत नहीं है हाँ हाँ एनसीआरटी का ही है जस्विनी बेटू बाहर से क्यों करवाऊंगी वेरी गुड त्रिदेप वेरी नाइस टू सिग्मा टू पाई शाबाश नाइन सिग्मा थ्री पाई पूजा कौन से वाले का आंसर दे रहे बेटा नाइन तो टोटल बॉन्ड्स भी नहीं है टोटल चार बॉन्ड्स हैं दो सिग्मा है और दो पाए हैं ये देखो ये दो सिग्मा है और दो कैसे हैं पाए हैं ठीक है एंड अब हमारा आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल फॉर्मले अभी बिल्कुल बेसिक्स कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे और फिर अगली क्लास से नो मंथ स्टार्ट हो जाएगा तो मैं बिल्कुल लेक्यूना नहीं छोड़ना चाहती कि कोई भी चीज़ नहीं पढ़ाई जिसकी वजह से आगे इंपैक्ट आ गया इसलिए कुछ बच्चों को ये चीज़ें आती हैं तो वो भी पढ़ सकते हो और कुछ बच्चों को नहीं आती है मुझे सब कुछ पढ़ाना है फ्रॉम जीरो क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रेंदन करना है एकदम मजबूत तो अगली चीज है बेटा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपाउंड्स जो हैं उनको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं में भी आपने पढ़ा होगा आपके एनसीआर टी के सीक्वेंस में ही हम चल रहे हैं तो पहला है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दूसरा है कंडेंस्ड फॉर्मूला तीसरा है बॉन्डलाइन फार्मूले तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की तरफ चल रही हूँ जिसमें ऐसे फैला फैला के बॉन्ड्स लिखते हैं फैला फैला के मतलब तुमको इथेन लिखना है तो ऐसे फैला के लिखोगे इथिन लिखना है तो भी फैला के लिखोगे मतलब हर बॉन्ड दिखना चाहिए इसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले थोड़े दिनों में जब तुम केमिस्ट्री के धुरिंदर हो जाओगे ना ऑर्गेनिक के तो तुम ये इस तरीके से लिखना तुमको बहुत बोरियत लगेगा ये हर बच्चे को लगता है बट दिस इज नोन एज स्ट्रक्चरल फॉर्मूले जिसमें आप हर बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं दिखाते हैं ये बॉन्ड है लेटेस्ट से मे को बनाना है सी एच थ्री सी एच टू ओ एच इथेनॉल तो इथेनॉल को मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में कैसे बनाऊंगी इज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मुला ऑफ इथेनॉल हर बॉन्ड दिखेगा कार्बन का हाइड्रोजन 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 देखो फिर अगला कार्बन फिर उसपे दो हाइड्रोजन एक नीचे हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड भी तो इस तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्मूले होते हैं बेटा हर बॉन्ड आपको दिखाना होता है नेक्स्ट कंडेंस्ड फॉर्मूले कंडेन्स तो सिंपल है जैसे एक बात बताओ ये क्या था इसका इसका ये देखो ये तो आपका स्ट्रक्चरल फॉर्म है ये कौन सा है स्ट्रक्चरल फॉर्म्यूला जो मैंने अभी बनाया लेकिन इसी का कंडेंस्ड कैसे होगा इसी को कंडेंस्ड में कैसे लिखेंगे CH3, CH3. ये ज्यादा पसंद है ना और कई बार तो ज्यादा आलसी होते हैं तो बॉन्ड भी नहीं बनाते हैं बॉन्ड भी नहीं बनाते हैं ऐसे ही सी एच थ्री चेप देते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं कंडेंस्ड अभी थोड़े दिनों में तुम्हें स्ट्रक्चरल से नफरत हो जाएगी अरे यार कौन फैला फैला के लिखेगा इसको हम क्या बोलते हैं कंडेंस सिमिलरली ये देखो ये स्ट्रक्चरल है सी डबल बॉन्ड सी एच और अभी तो तुम बॉन्डलाइन सीखो भी आज की क्लास में इसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल इसी को कंडेड कैसे बनाएंगे ऊपर बना रही स्ट्रक्चरल बन बन रहे यहां बन रहे हैं हैं कंडेंस डबल बॉन्ड समेट समेट के के लिख दिया तो कंडेंस फैला के लिख दिया तो स्ट्रक्चरल फैला के लिख दिया तो स्ट्रक्चरल समेट के लिख दिया तो कंडेंस कंडेंड तो 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 वाले में हम सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स दिखाते हैं हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हम कभी नहीं दिखाते ये देखो सी एच थ्री ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया देखो मुझे तो आदत ही नहीं है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने की तो मैं बार बार मेरे हाथ से कंडेंसडी बनता है ये आपका हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और इसी को आप कंडेंस करेंगे तो सी एच थ्री ओ एच मीथेनॉल तो कंडेंस्ड इज बेटर एनी हाउ अगला होता है बेटा बॉन्डलाइन फार्मूला बॉन्डलाइन फार्मूला क्या होता है ध्यान से देखो बॉन्डलाइन फार्मूला बॉन्डलाइन फॉर्मूले में कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है उनको आप शो नहीं करते आप सिर्फ लकीरें खेच खेच के बॉन्डलाइन बनाते ना भी क्या बॉन्ड लाइन ना तो आप कार्बन शो करेंगे ना हाइड्रोजन हाँ कोई और हीट्रो आइटम होगा वो आप शो करेंगे कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं करेंगे तो जैसे सपोज करो चलो बॉन्ड लाइन में बनाते हैं अपन फर्स्ट एग्जांपल अच्छा ये बताना जरा ये कौन सा फॉर्म है जो हम अभी बना रहे हैं ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है इसका नाम लिख दो जरा चैट बॉक्स में ये रिप्रेजेंटेशन कौन सा है और ये रिप्रेजेंटेशन कौन सा है? Quickly. Classes का है 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 बेटा बेटा से 5, Tuesday, Thursday और कल 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 की class नहीं है, आ, कल तो है, कल नहीं तो को होगी शाबाश दिस इज लिखेंगे जहां तुमने ये पहली डॉट लगाई डॉट मत लगाओ मतलब ऐसा पेन टच करो कॉपी पे तो ये एक कार्बन हो गया फिर तुमने प्रोसीड किया ऐसे जहां टर्न मारा कार्बन फिर बदल गया तो टोटल मिलाकर इसमें कितने कार्बन हो गए एक कार्बन दो कार्बन और तीन कार्बन डॉट नहीं बनानी है इसको ऐसे बनाना है देखना डॉट तो मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूं जहां तुम टर्न मारोगे कार्बन चेंज हो जाएगा तो प्रोपेन कैसे बनाया जाएगा देखो प्रोपेन कैसे बनाया जाएगा ऐसे ऐसे

इसको हम क्या क्या कहते हैं हैं बॉन्ड लाइन बोलते फोर यस yes. पहला कार्बन शुरू से ही यहाँ फर्स्ट कार्बन आ जाता है फिर दूसरा आ जाता है फिर तीसरा आ जाता है फिर चौथा आ जाता है ठीक है तीसरा तुम बनाओ सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री अब मैं इसको कंडेंस में लिखूंगी बोर होगी इसको लिख लिख के अब मैं सीधा बॉन्ड लाइन बनाऊंगी तुम उसका थोड़ा नाम बताना है ना कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगी बहुत सिंपल पूछूंगी क्योंकि नोम तो आपने बताया नहीं है मतलब मैंने पढ़ाया नहीं है सॉरी मैंने पढ़ाया नहीं है तो पांच कार्बन है तो एक दो तीन चार पांच हो गए ठीक है जितने जितने टर्न उतने उतने कार्बन अब तुम मेरे को इसका नाम बताओ इसका नाम इन दोनों के नाम बताओ देखें पहले वाले का नाम क्या है? वेरी गुड सोनाक्षी लकी यशी त्रिद प्रमीत श्रुति मिश्रा वेरी नाइस वेरी नाइस इट इज इट इज ऑल राइट इसका नाम क्या है थोड़ा बहुत नोमचर आता है आपको थोड़ा थोड़ा बहुत आता है नोमन क्लेचर वैसे तो मैं पूरा सिखाऊंगी बहुत सारा सिखाऊंगी लेकिन फिर भी जनरली पूछ रही हूँ मिथाइल इथेन दिव्य मिश्रा नहीं इसका मतलब बेटू नहीं आता मुझे सिखाना है कुछ नहीं होता बेटू अरे इसमें तो मेरे बच्चे नाराज हो जाएंगे मेरे से नहीं 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 हाइड्रोजन कैसे दिखाते हैं दिखाते ही नहीं है हाइड्रोजन बेटा दिखाते ही नहीं रोहताश हाइड्रोजन को बॉन्डलाइन में दिखाया नहीं जाता कार्बन को दिखाया नहीं जाता ऑटोमेटिकली एज्यूम चलो इसको भी हटाओ ऑटोमेटिकली एज्यूम किया जाता है कि जहां पे हमने नहीं बनाया है वो हाइड्रोजन ही होगा मैं तुम्हें और अच्छे से बताती हूँ इसका मामला ये हेक्सेन हो गया ना तो ये सारे बॉन्ड सिंगल हैं सपोज करो तुम्हें ये तो पता है इसको क्या बोलते हैं ये कंडेंस फॉर्मूला किस कंपाउंड का है क्या कोई मुझे बता सकता है ये कंडेंस फॉर्मूला किस कंपाउंड का है ये नाइन का नोमेंट है बेटा हाँ सोनाक्षी ने पढ़ाऊंगी ना, ना में तो बहुत सारी क्लासेस इन्वेस्ट होंगी बॉन्ड्स 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 बेटा ये है, ये लकीरें जो बन रही, ये बन रही हैं हैं रहे अभी मैं तुम्हें बताती हूँ सिखा दूंगी थोड़े दिनों बाद यस इट इज प्रोपीन यू नो हाउ टू ड्रॉ इट इन बॉन्डलाइन फॉर्म अपने अपने कॉपीज में ड्रॉ करिए मैं पांच सेकंड रुकती हूँ पांच सेकंड बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी कि इसको बॉन्डलाइन में कैसे बनाएंगे हाँ कल्पना अस्मा में बताती हूँ बॉन्ड कैसे दिखाते हैं अब चलिए आपको कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं करने आपको सिर्फ बॉन्ड शो करने हैं वो भी कार्बन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड शो नहीं करने सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड शो करने लिख देती हूँ मैं ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर शोन ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर शोन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शो नहीं किए जाते कार्बन को शो नहीं किया जाता हाइड्रोजन को शो नहीं किया जाता इसको कैसे बनाएंगे इसको ऐसे बनाएंगे ये प्रोटीन

इसका 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 भी ये सब मैं ये तुम्हें हैं मैं सिखाऊंगी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तुम्हें लगा रहा है स्वास्थ्य बना रही है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनका धड़ल्ले धड़लैसे नोम सीखोगे तुम रेगुलर है ना अगली अपकमिंग क्लासेस में सिखाऊंगी मैं फिलहाल प्रोपेन का ये बॉन्ड लाइन होता है अगर ये हम इस तरीके से बना दें तो ये कितने हो गए देखो एक यहां से कार्बन शुरू कर दिया करो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन पांच कार्बन छह कार्बन सात कार्बन तो ये हो जाएगा हेप्टेन है, है, जा नौ, हेप्टेन एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ऑक्टेन एक दो तीन चार पाँच चा छ सात आठ नौ नोने एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस डेकेन तो बस ये टर्न लगाते जाओ बहुत सिंपल होते हैं बॉन्डलाइन प्रोपीन बनाना बता ही दिया तुमको अब अगले बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर आई यूपीएससी न्यूमनक्लेचर में आएंगे तो बॉन्डलाइन समझ में आया आपको सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स दिखाने होते हैं आपको कार्बन नहीं दिखाना होता है हाइड्रोजन नहीं दिखाना होता है और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड भी नहीं दिखाने होते क्लियर क्लियर बच्चों मैम आपने सब स्पेशल पे पढ़ाया मुझे अच्छे से आता है मोहम्मद हसन पहले पढ़ोगे तुम मुझसे कभी हाँ थ्री बॉन्ड्स हुए तो कैसा होगा सोनाक्षी थ्री बॉन्ड्स हुए तो ऐसा होगा ना ये देखो जो मैंने अभी बनाया था बट तुम फिर उसका नोम नहीं समझ पाओगे ना ये देखो जैसे सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री इसमें तीन बॉन्ड्स है इस वाले कार्बन में जैसा कि सोनाक्षी ने डाउट पूछा है कि मैम फिर कैसे बनाएंगे तीन बॉन्ड होंगे तो।, तो इसको ऐसे बनाएंगे एक दो तीन क्योंकि आपकी मेन चेन में तीन कार्बन है बीच में से एक कार्बन एक्स्ट्रा निकल रहा है ये निकाल दिया इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कोई बच्चा एक दो तीन ये एक ही चीज़ है ठीक है तीन बॉन्ड होंगे तो ऐसे दिखाएंगे क्लियर बिट्टू दोबारा सिखाऊं वर्तिका का शुड टीच यू अगेन पांच मिनट और दे <laughs> थैंक यू बीटीएस बेटा शुड आई टीच यू अगेन पांच मिनट और दू बिट्टू चलो इस बॉन्ड लाइन को हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे बॉन्ड लाइन को एक्स्ट्रा टाइम देंगे क्योंकि जब मेरी कोई रेगुलर बच्ची या बच्चा ऐसा बोलता है कि मैम ये चीज समझ में नहीं आई तो देन टाइम देना तो बनता है ठीक है बॉन्ड लाइन का मतलब होता है आपको सिर्फ कार्बन कार्बन के स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाना होता है लेट से कि और ये शुरुआत मोस्टली प्रोपेन से होती है मीथेन मीथे इथेन के बॉन्डलाइन कोई नहीं बनवाता तो लेट से आपको प्रोपेन दिया गया तो स्केलेटन में कितने कार्बन है? स्केलेटन समझते ना अपने ह्यूमन के अंदर भी स्केलेटन होता है ऐसे कार्बन स्ट्रक्चर में भी स्केलेटन स्केलेटन होता है तो स्केलेटन में आप हाइड्रोजन को अलग कर दो समझ लो हाइड्रोजन तो मास है स्केलेटन है, ही नहीं, ये स्किन है।, है ना तो हाइड्रोजन को अलग कर दो नहीं दिखाना हमें हाइड्रोजन मेन स्केलेटन दिखाना है बस तो स्केलेटन में कितने कार्बन है तीन कार्बन है तो आप जहां आपका पेन अड़ा कॉपी पे इसको एक कार्बन मानेंगे ये दूसरा कार्बन ये तीसरा कार्बन मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा ट्राइंगुलर फॉर्म में एक दो तीन तो इस तरीके से बन जाएगा इसका स्केलेटन हाइड्रोजन इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्केलेटन यू डोंट हैव टू शो इट देयर इज नो सिंगल देयर इज नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल सो यू डोंट हैव टू शो इट लेट्स से आपको अगला बनाना है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू अब इसके स्केलेटन में ही डबल बॉन्ड है इसके स्केलेटन में ही डबल बॉन्ड है तो आप बनाएंगे तो यही का यही स्ट्रक्चर लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड शो करेंगे समझे यही स्ट्रक्चर बनाया अपने तीन कार्बन का स्केल्टन बनाया बट यहाँ क्या था डबल डबल तीसरा एग्जाम्पल सी एच थ्री सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच ऐसा कुछ हो तो अभी भी तीन ही कार्बन है तो वो तीन ही बनेंगे लेकिन अब की बार जो ये बनेगा ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ठीक है कितना सिंपल आ रहा है अब समझ में बेटर है ना चौथा एक एग्जाम्पल एक जैसे आपको ब्यूटेन बनाना है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री तो आपके पास दिख रहे हैं आपको चार कार्बन आइटम है ठीक है तो स्केलेटन में हाइड्रोजन इज नॉट कंसीडर्ड हाइड्रोजन नहीं बनाना होता सिर्फ आपको चार कार्बन आइटम दिखाने हैं वो भी कार्बन नहीं दिखाने हैं ऐसी लखीरें खींचनी है तो चार कैसे दिखाओगे एक दो तीन थी, चार ठीक है पांचवा एग्जाम्पल अगर आपको सी एच थ्री सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू बनाना हो ठीक है ब्यूटीन जिसको हम बोलते हैं यहां भी चार कार्बन है बट यहां इन दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड है तो एक दो तीन चार और इन दोनों में डबल बॉन्ड आ गया ठीक है छठा एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री आप पढ़ोगी अभी बहुत मैं में तो मुझे बहुत पढ़ाना है मुझे तुम लोगों को तो ये आपके इधर डबल बॉन्ड है मिडिल कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो कैसे शो करोगे चार कार्बन का स्केलेटन कैसे बनाओगे एक दो तीन चार और क्योंकि बीच वाले दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड इस बार यहां आएगा हुई बेटर अंडरस्टैंडिंग बताओ जल्दी जल्दी बताओ बेटर समझ में आया सबको बेटा ओनली अपन जो पढ़ रहे हैं वो जेई मेन्स तक पढ़ रहे हैं इंस्पिरेशन एस सेवन मैं झूठ नहीं बोलूंगी बेटा झूठे कोई प्रोमिस नहीं दूंगी मेरा जो कंटेंट है वो स्कूल एनसीआरटी की एक एक लाइन आपका बोर्ड्स ट्वेल्थ क्लास का अगर मैं ट्वेल्थ को पढ़ा रही हूं इलेवेंथ क्लास के स्कूल एग्जामिनेशन नीट का पूरा कंटेंट और जेई के मेन्स का कंटेंट नॉट एडवांस आपसे मैं कोई झूठी बात नहीं करूंगी वी कवर ओनली टिल जेई मेन्स नीट लेवल जेई एडवांस हम नहीं पढ़ाते ठीक है चलो तो अब आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है धीरे धीरे अब ये होमवर्क में ले लो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे दिस इज़ योर होमवर्क थ्री मीथाइल ऑक्टेन को तुमको तीनों फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करना है आपको स्ट्रक्चर वो जो एक्सपैंडेड फॉर्म में भी करना है कंडेंस में भी करना है ऑनलाइन में भी करना है और आपको टू ब्रोमो व्यू टेन को भी करना है तीन तरीके से तो ये आते ही मैं होमवर्क डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में दिस इज योर होमवर्क एंड बस आई थिंक इट्स ऑल पॉ टूडे बच्चे थक गए मेरे है ना बच्चे मेरे थक चुके हैं इतनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दिन में पिला दूंगी इनको तो फिर तो उल्टियाँ लग जाएंगी ज्यादा ज़्यादा नहीं पिलाएंगे ठीक है अब अगली क्लास में सो बच्चों बग्स बाउंटी पे आप कोई भी इनअप्रपरेट कंटेंट दे तो आप इसे रिपोर्ट कर सकते हैं जो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं वो टाइम टेबल देख लो मैं ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे को चार से पांच इलेवंथ क्लास को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ सपोज करो कभी लेट से कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ या उस समय मुझे कोई काम आ गया तो मैं आप ज़रूर देखा करो मेरे शॉर्ट्स मैसेजेस होते हैं शॉर्ट्स जो कि हमारे ही चैनल पे मैं अपलोड करवाती हूँ तो अगर मैं कोई टाइम बदलती हूँ तो मैं वो शॉर्ट्स मैसेजेस आपको अपडेट करने के लिए डालती हूँ कि बेटा मेरी ये क्लास आज इस समय नहीं हो रही इस समय हो रही है तो उससे आप जरूर अपडेटेड रहा करो ताकि बाई चांस सपोज करो मैंने ट्यूजडे की क्लास मंडे पुल कर ली क्योंकि मैं ट्यूजडे को बिजी हूँ जो कि एक्चुअली मैं इस ट्यूजडे को हूँ अब पता नहीं मैं क्लास तो नहीं रिशेड्यूल कर रही हूँ तो अगर ऐसा होता है कि मैं सपोज ट्यूसडे की क्लास मंडे पुल करूंगी तो मैं तुम तक मैसेज कैसे पहुंचाऊंगी मैं अपना एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी चैनल पे लगा दूंगी ठीक है तो तुम इनफॉर्म रहना कि कभी ऐसा भी हो जाता है ठीक है एंड ये ट्वेल्थ का है ना नौ से दस मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे को क्लासेस लगती हैं हाइड्रोजन पार्ट टू टर्म वन के लिए पार्ट uh, वन हमने पिछले वेंसडे को पढ़ा दिया था पार्ट टू इस वेंसडे को होगा जिन बच्चों ने पार्ट वन नहीं देखा वो जरूर देख ले एंड एम बी लाइव कोर्ड से क्लास खुल जाती है और पार्ट टू देखने के लिए आपको ट्वेल्व फोर्टी फाइव पे आना रहेगा वेंसडे को अनकेडमी की लर्निंग ऐप पे अन uh, अकेडमी खास तौर पर आपके लिए रखा गया आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा गया है और इसका एनरोलमेंट कोड है मास्टर ब्लास्टर कोड एम डी लाइव मेरी बच्चा पार्टी विल यूज दिस कोड टू तो एनरोल एंड बेटा मैं कह रही हूँ आप कॉम्बैट दिया करो तो दिया करो एटलीस्ट वो बच्चे तो जरूर दिया करो जिनको मैंने चैप्टर वन से पढ़ाया है ठीक है क्योंकि ये जितना एक्सपोजर आपको एग्जाम्स का सवालों का होगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा आई रियली आई एम सेइंग दिस बिकॉज ये आपको बेनिफिट करेगा एंड आई नो दैट ठीक है आगे बढ़ते हैं अकेडमी पे आस्क डाउट फीचर आप जितने मर्जी डाउट पूछ सकते हैं अकाडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ने आते हैं तो वो आपको ऐसे कौन से फीचर्स मिलेंगे जो जनरली नहीं मिलेंगे आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे स्पेशल में नहीं मिलेंगे बेटा एक तो पर्सनल कनेक्ट प्लस पे हमारी क्लास एक क्लोज क्लास होती है इसमें हम लोग आप अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं हम अलग से डेडिकेटेड डाउट सेशन्स रखते हैं हर तीन क्लासेज में मैं पढ़ाती हूँ लेट्स से जैसे आज मैंने आपको पढ़ाया ये जो भी आज टॉपिक्स पढ़ाए तो इसकी कंप्लीट वर्कशीट आपको मिलेगी जैसे आज ये प्लस की क्लास होगी तो इसकी कंप्लीट वर्कशीट आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएगी जाएगी प्लस में वो वर्कशीट वर्कशीट आप लगाएंगे तीनों क्लासों तक आपको मिलती चौथी क्लास हमारी डाउट क्लास होगी तो चौथी क्लास में आपकी वो वर्कशीट सारी डिस्कस होंगी एनसीईआरटी का जो जो होमवर्क दिया जाता है वो सारा डिस्कस होगा होमवर्क में अगर आपको कोई डाउट है तो आपको टाइप करने की मेहनत की जरूरत नहीं है यू जस्ट अन्यूट सेल्फ एन यू आस्क योर डाउट तो इस तरीके से हमारे जो प्लेटफॉर्म है उस पर कोर्स रन होते हैं कोर्सेज बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं वी आर वेरी वेरी कंसर्न अबाउट कंप्लीटिंग योर कोर्सेज ऑन टाइम अबाउट योर रिविजन पोर्स अबाउट योर टेस्ट पोर्शन अबाउट योर एमसीक्यूज प्रैक्टिस पोर्स दिस सब्सक्रिप्शन इज वेरी नॉमिनल बट द लेवल ऑफ सर्विसेज द फीचर्स विच एन अकेडमी इज प्रोवाइडेड इज अनकम्पेयरबल आपको मैं बताती हूँ देखो प्रैक्टिस टेस्ट आपके चलते रहते हैं

एंड मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको टॉप एडुकेटर्स की मिलती है आपको बैच अलॉट हो जाता है उसमें आपकी ठीक से हर सब्जेक्ट का आप, आपका ध्यान रखा जाता है मूविंग अहेड ये ये देखो ह्यूमैनिटीज का अपकमिंग बैच आ रहा है ये आपका कॉमर्स का अपकमिंग बैच आ रहा है अगर आपके कोई नोन हो जो ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स में हो और ये देखो साइंस के बैच का नाम देखो एमसी क्यूज इन एनसीआर प्रैक्टिस बैच अब इस बैच में तो प्रॉपर पढ़ाई करवाई जा रही है फाइनल एग्जाम्स के लिए आई एम ऑल्सो टीचिंग इन दिस विद फ्यू दिसग एजुकेटर्स एंड ये पर्टिकुलर बैच क्लास इलेवंथ की प्रैक्टिस के लिए है तो कई बार कहते हैं मैम प्रैक्टिस भी चाहिए भाई हमने रिडॉक्स कर लिया लेट से मैम हमको रिडॉक्स के एम सी क्यूज करने तो आप ये और ये मल्टीपल बैचेज में इनरोल कर लो यहाँ आप पढ़ो इधर भी खूब प्रैक्टिस होती है क्योंकि मैं तो हर क्लास में आपकी क्विजिंग करवाती करवाती हूँ जितनी ज्यादा क्विजिंग करवाऊंगी उतने एम सी क्यूज प्रैक्टिस होंगे आप छोड़ोगे एग्जाम इसमें कोई दोहराई नहीं है ये बैच भी एनरोल कर लो यहाँ मैं भी एनसीईआरटी करवाती हूँ ये पूरी एनसीईआरटी भी करवाएंगे एमसीक्यूज भी करवाएंगे इनमें ये लोग शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ाएंगे और पूरा प्रैक्टिस कराएंगे कर तो इस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मल्टीपल बैचेस होते हैं और आपको जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा बैच आप एनरोल कर सकते हो सेवनटीन सेप्टेम्बर यानी कल से मेरा नया बैच स्टार्ट हुआ है पे तो अगर आपको आना है तो जल्दी आ जाओ और एक सबसे बड़ी बात आज एटीन है एटीन से एक स्पेशल डिस्काउंट शुरू हुआ है पिछले पंद्रह दिन से हमारा टीचर्स डे का डिस्काउंट सिर्फ जेई एंड नीट के बच्चों को मिल रहा था सी बी एस ई पर नहीं मिल रहा था इस बात को ध्यान में रखते हुए अन अकाडमी ने एटीन ऑफ सेप्टेम्बर से ओनली फॉर फ्यू डेज आपके लिए ट्वेंटी परसेंट ऑफ दिया है अगर आप एक साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ आपने सपोज़ करो ये तो आपका जेई नीट के सब्सक्रिप्शन है अगर आप जेई नीट की तैयारी करना चाहते हो तो मैं बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म पे जेई नीट पे आपको टॉप मेंटर्स पढ़ा रहे कोटा कोचिंग इंडस्ट्री के जिनसे पढ़ने के लिए बच्चों को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं हॉस्टल में रहना पड़ता है पेरेंट्स से दूर रहना पड़ता है कोचिंग की फ़ीस डेढ़ लाख रुपए तक होती है एक एक साल की दो साल की तीन लाख रहना अलग खाना अलग ट्रैवल अलग खर्चा अलग तो इतना सारा पांच लाख रुपए तक पेरेंट्स के खर्च जाते हैं सिर्फ इसलिए कि बच्चों को उन टीचर्स से पढ़ने को मिल जाए जो टीचर्स साल दर साल रैंक्स प्रोड्यूस करते हैं जेई की भी और नीट की भी आप वही फीचर वही फैसिलिटीज घर पे ले सकते हैं क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे टीचर्स जो कि वाइब्रेंट अकेडमी हो गया न्यूक्लियस हो गया बंसल्स हो गया इनके टीचर्स को अन अकेडमी के साथ जोड़ लिया है ये टीचर्स आपको इन पोर्टल्स पे पढ़ाएंगे आप घर बैठ के इनसे पढ़ सकते हैं और बहुत नॉमिनल चार्जेस में जैसे एक साल का चार्ज थर्टी फोर थाउजेंड है डेढ़ साल का फोर्टी टू है एंड दो साल का फिफ्टी है इसमें अगर आप कॉम्बो उठाते हैं तो कॉम्बो में भी आपको बहुत जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर होते हैं मतलब आप जे नीट का भी पढ़ना चाह रहे हो और हम लोग उसे भी पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके पचपन हजार में कॉम्बो आ जाता है दो साल का कॉम्बो यू कैन इमेजिन कि भाई हमारी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर ईयर में सारे सब्जेक्ट्स लॉक हो गए हम किस से पढ़ रहे हैं हम हम वाइब्रेंट अकेडमी के टीचर्स से पढ़ रहे हैं हम बंसल क्लासेस के टीचर से पढ़ रहे हैं हम बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स से पढ़ रहे हैं ऑफलाइन में ठीक है तो वो वाले टीचर से पढ़ने को मिल रहा है बट हमारे चार्जेस बहुत नॉमिनल है तो वो तो वही पढ़ाएंगे जैसे वो वहाँ पढ़ाते हैं वो आपको भी वैसे ही पढ़ाएंगे लेकिन चार्जेस के बहुत अन्य नॉमिनल है जिसमें आपको पर्सनल मेंटर एक एक्स्ट्रा लॉट होता है तो थोड़ा एक्सक्लूसिव है थोड़ा प्राइसिंग वाइज हायर साइड है जैसे डेढ़ साल का सेवेंटी टू थाउजेंड है तो जिनको पर्सनल मॉनिटरिंग की जरूरत है वो ये वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड अगर आप हम लोग से पढ़ना चाहते हैं एनसीआर टी स्ट्रेंदन करना चाहते हैं तो आप ये वाला लो इस पर मैं बोल रही हूँ आज एटीन से लेकर के कुछ दिनों के लिए एक जबरदस्त ऑफर स्टार्ट हुआ है जिसमें लेट से आपने अट्ठारह महीने का सब्सक्रिप्शन ले लिया बीस कल तक अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते तो आपको टू थाउजेंड ऑफ मिल रहा था सिर्फ आज से लेकर दो चार दिन के लिए स्पेशल ऑफ ऑन डिमांड मतलब रिक्वेस्ट किया गया है अन से किसी अन अकेडमी इलेवंथ एंड ट्वेल्थ वालों को भी ये डिस्काउंट चाहिए क्योंकि सिर्फ जेई नीट को मिल रहा था तो अब आपके लिए भी ये ट्वेंटी परसेंट ऑफ हो गया है बाय यूजिंग कोड एम बी लाइव अब आपने यहाँ एम बी लाइव कोड लगा दिया एम बी लाइव कोड लगाते ही आपका ट्वेंटी परसेंट ऑफ हो गया सोलह हजार रुपए में आपका डेढ़ साल का कोचिंग हो जाएगा सारे सब्जेक्ट्स ऑल सब्जेक्ट्स इसमें कवर होंगे ठीक है सारे सब्जेक्ट्स विद डेडिकेटेड ग्रुप ऑफ एडुकेटर्स स्टडी मटेरियल सब चीज उसमें इंक्लूडेड है सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड है टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है डाउट क्लासेस इंक्लूडेड है लाइव क्लासेस इंक्लूडेड है पूरा सब कुछ इंक्लूडेड है

ऑल डेडिकेटेड um, जितनी भी आपकी लाइव क्लासेस है सब स्टडी मटीरियल एवरीफिट इन दिस इज आपको पर्सनल कोचिंग मिलेगा जो टाइम रहता है आपका time बनाएगा, strategy बनाएगा, वीकली आपका रिपोर्ट देगा प्लानर बनाएगा एंड रेज एंड फीचर जो होता है अनम्यूट वाला फीचर उसमें आइकॉनिक स्टूडेंट को प्रायोरिटाइज किया जाता है प्रायरिटी पे होते हैं वो तो ये आप सब्सक्रिप्शन बहुत ही नॉमिनल है पूरे दो साल का यू कैन ऑल्सो अवेल दिस सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट आपको एम बी लाइव कोड पर मिलेगा एंड ये ऑफर्स चल रहे हैं आप अच्छे से देख लीजिए एंड ये मैंने आपको बता दिया एक या उससे अधिक टाइम पीरियड का सब्सक्रिप्शन लेने पर कुछ दिनों के लिए हर ये बच्चों बिकॉज कुछ ही दिनों के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर है ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल रहा है एंड क्या करना की है अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है इंस्टॉल करनी है प्लस पे क्लिक करना है ये पूरा एज इट इज खुलता जाएगा जैसे तुम क्लिक कर जाओगे ये पेज खुलेगा फिर इस पे क्लिक करोगे ये पेज खुलेगा इसमें से अपना पसंदीदा सब्सक्रिप्शन चुन लेना गैर सब्सक्रिप्शन पे आ जाना और बस कोड लगेगा एम बी लाइव और डिस्काउंट हो जाएगा तो सेशन को लाइक कर दो शेयर कर दो एंड रेगुलर regular रहो रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है मैम ऑर्गेनिक मेरा फेवरेट है, इसका सारा क्रेडिट सिर्फ आपका है मैम, मैं भी बहुत वीक थी आपने ही स्ट्रॉन्ग बनाया थैंक यू ज्योति का बाय टेक केयर लव यू बाय अरे बाय वर्तिका बाय बाय आसमा हाइड्रोजन के दो लेक्चर्स है बेटा आसमा बाय 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 एवरीवन टेक केयर गॉड ब्लेस माय ऑल डियर स्टूडेंट्स और मेरे बच्चे पढ़ा ऑर्गेनिक में नहीं केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में ही नहीं फिजिक्स में मैथ्स में हर सब्जेक्ट में एकदम परचम गाड़े झंडे गाड़े ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ एंड सिर्फ प्रार्थना से काम नहीं चलेगा पढ़िए नहीं तो सिर्फ प्रार्थना करनी पड़ेगी एंड में तो पढ़िए जरूर है ना चलो बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल